पढ़ते हैं खबरों में आगे। रक्षा मंत्री के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन आज एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन में होंगे शामिल, कौशल रोजगार मेले में भी शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन आज, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, कौशल रोजगार मेले में भी शामिल होंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री लखनऊ दूसरा उनका दौरा है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप बता दें कि दूसरा दिन है दौरे का। ये अहम जानकारी इस वक्त की देख पा रहे हैं आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे का आज दूसरा दिन है लखनऊ में है आज, और दूसरा दिन है ये, बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा का दूसरा दिन है, क्या अपडेट है आज आपके पास? जी बिल्कुल, काफी अहम दौरा है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और लखनऊ में आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल के 3 का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, और करीब 12:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में जो कौशल महोत्सव रोजगार मेला है आयोजित किया गया है, उसका भी दूसरा दिन है, उसमें भी सम्मिलित होंगे। और करीब 2:30 बजे अटल कन्वेंशन सेंटर चौक में कायस समाज द्वारा जो आयोजित है अभिनंदन समारोह, उसमें भी शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से उनको तीसरी बार लखनऊ से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पर उनको उनका नाम का ऐलान किया गया है, उसके बाद उनका ये पहला दौरा है और आज हालांकि दूसरा दिन है। और आपको बता दें कि उनके नाम का चयन होने के बाद जिस तरीके से खुशियां मनाई गई थी, लोगों ने मिठाई खिला के आपस में माना था कि देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो एक बार फिर से लखनऊ से प्रत्याशी होंगे, और आज हालांकि जिस तरीके का दौरे का दूसरा दिन है तो कई सारे आयोजनों में शामिल होंगे, और सबसे पहले जो एयरपोर्ट टर्मिनल इनके उद्घाटन समारोह में वो शामिल होंगे, उसके अलावा जो लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में जो पूरा जो रोजगार मेला है, कौशल महोत्सव, लखनऊ कौशल महोत्सव के नाम से जो आयोजित किया गया है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं, उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद जो अटल कन्वेंशन सेंटर चौक में कायस्थ समाज द्वारा जो आयोजित है अभिनंदन समारोह, इसमें भी शामिल होंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि इसको लेकर तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। रवि, क्या स्थानीय नेताओं से भी बातचीत का या संवाद का कोई कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है और यहाँ से चुनाव लड़ना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, तो क्या किसी तरीके की बातचीत भी संभावित है? देखिये, जिस तरीके से उनके आज दौरे का दूसरा दिन है, तमाम सारे जो समर्थक हैं उनसे मिलने जुलने का दौर भी लगातार जारी रहता है, और पहले भी ऐसे जब भी वो लखनऊ उनका आगमन होता है तो तमाम सारे समर्थक हैं उनके चाहने वाले वो उनसे मिलने के लिए जरूर पहुंचते हैं। तो जाहिर है कि अब चूंकि अब रक्षा मंत्री है देश के और लखनऊ से सांसद भी है और इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, तो जाहिर है लोग उनसे मिलने जुलने पहुंचते हैं। हालांकि आज जिस तरीके से कई सारे कार्यक्रमों में उनको शामिल भी होना है, तो बिल्कुल जाहिर है कि एक उत्साह भी उसको लेकर है लोगों में, और राजनाथ सिंह आज अपने दौरे के दूसरे दिन तमाम सारे जिलों में शामिल होंगे, तमाम सारे लोगों से दौरान वहां उनकी मुलाकात भी होगी। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।